चलिए अब भिन्नों का योग करेंगे। क्या करेंगे? भिन्नों का योगफल। भिन्नों का, भिन्नों का योग, भिन्नों का योग ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने लिखा 3/2, फिर मैंने लिखा 7/3 और फिर लिखा 1/4। ये भिन्न है मेरे पास, है ना? 3/2 धन 7/3 धन 1/4। अब इन भिन्नों का मुझे योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग करना है, जोड़ना है, क्योंकि बीच में जोड़ का निशान है। तो 2 3 4, 2 3 4, तो 2 3 4 का मैं लसा लूँगा। क्या लूँगा? लसा लूँगा। 2 3 4 का मैं लसा लेता हूँ। चलो इधर ले लेता हूँ। 2 3 और 4, 2 3 4 का मैं लसा लेता हूँ। पहले मैं 2 से देता हूँ, 2 एकम 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आते, 2 का टेबल 4 आ जाए, 2 3 4, फिर 2 से दूंगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आते, 2 एकम 2, फिर 3 से दूंगा, 3 एकम 3। अब मैं क्या देखता हूँ, अब मैं इनको गुणा करूँगा। 2 का पाड़ा 2 बार बोलो, 4। 4 का पाड़ा 3 बार बोलो, 12। तो ये आ गया आपका 12। कितना आ गया यहाँ पे? 12 आ गया। 12। अब इस 2 का इस 12 में भाग लगाओ, इस 2 का इस 12 में भाग लगाओ, 2 का पाड़ा बोलो 12 आ जाए, 2 छंग 6 बार, 2 छंग 12, 6 बार। भागफल कितना आया? भागफल 6 आया। 6 का गुणा इस ऊपर वाली में करो, चलो। फिर 3 का पाड़ा बोलो कि 12 आ जाए, इस 3 का इस 12 में भाग लगाओ, इस 3 का इस 12 में भाग लगाओ, कितनी बार भाग जाएगा? 4। 4 चार बार भाग गया। 4 का गुणा इसमें करो। अब इस 4 का, इस 4 का 12 में भाग लगाओ, इस 4 का 12 में भाग लगाओ, 3 बार। 3 का गुणा ऊपर वाले में करो। 6 12 6 18, 7 4 28 और 3 एकम 3, और नीचे 12 का 12 बराबर में कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 8 और 8 16 और 3 19 का 9 हासिल लगा, 1 1 और 1 2 2 और 2 4 और नीचे 12। ये आंसर आ गया। अभी कटता नहीं है क्योंकि ये विषम है, 9 विषम है और 2 सम है, 9 विषम है 2 सम है और सम और विषम कभी नहीं कटेगी, इसलिए 49/12 दिए गए सवाल का आंसर है, उत्तर है, उतार लो इसको। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1/2, 4/5 और 5/6, ये सवाल है। हमें इनको जोड़ना है ना? ठीक है, चलो जोड़ देते हैं। देखिएगा ध्यान से, 2 5 6, 2 5 और 6 का लसा लेंगे, ये 2 ये 5 और ये 6 का मैंने लसा लिया। देखो 2 से देंगे, 2 एकम 2, 5 का 5, 2 3 6, फिर 3 से 5 का 5 और 3 एकम 3, फिर 5 से 5 एकम 5। तो देखिएगा 5 3 15, 5 3 15, 15 2 30, 5 3 15, 15 2 30, तो लसा लेंगे, लसा में 30 आए, आ गया 30। अब 2 का, इस 2 का इस 30 में भाग लगाएंगे, इस 2 का हम क्या करेंगे, इस 2 का
इस 30 में भाग लगेगा तो 2 का 30 में भाग कितनी बार जाएगा सोचो। 2 का पारा कितनी बार बोलेगी 30 आ जाए 30 आ जाए कितनी बार भाग जाएगा। 2 का 30 में कितनी बार भाग जाएगा 15 बार। 15 दूना 30, या तो 2 का पारा 15 बार बोलो या 15 का पारा कितनी बार बोलो 2 बार। 15 दूना 30, तो 2 का 30 में 15 बार भाग जाएगा। अब 15 बार भाग गया तो ये 15 में गुणा करो 1 का प्लस चलो 5 का 30 में भाग दो, 5 का 30 में भाग दो कितनी बार भाग जाएगा 5 का 30 में 6 बार, 5 6 30 6 बार, 6 का गुणा ऊपर वाली में करो, 6 का गुणा ऊपर वाली में हो गया प्लस। अब इस 6 का 30 में भाग दो, 6 का 30 में भाग दो कितनी बार जाएगा 6 पंजे 30 5 बार, 5 का ऊपर वाली में गुणा करो चलो 15 एकम 15 तो 6 चौक 24 और 5 का 25 और नीचे 30। अब इनको जोड़ लो, अब इनको जोड़ेंगे 25 में से 5 निकालो, 25 में से 5 निकाल के इसको दे दिए तो कितने हो गए ये भी 20 हो गए और ये भी 20 हो गए, 20 और 20 कितने हो गए 40, इसमें भी 20 है 20 20 40 20 या 60, 60 और 4 ऊपर है तो 64 कितने हो गए ये हो गए 64/30 64/30। अब 64/30 तो 64 और 30 किस टेबल में आते हैं 64 और 30 कौन से टेबल में आते हैं 4 के में नहीं 2 में 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 3 6 2 दूनी 4 ऊपर होंगे 32 ऊपर कितने रह गए 32 और नीचे 15 नीचे 15 32/15 आंसर 32/15 हमारा उत्तर आ गया ठीक है ना। सरल था या कठिन था सरल। चलो अब इसी टाइप से अगला सवाल हम करेंगे ये सवाल है हमारे पास है ना। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा सा और हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं या 3 कर देते हैं चलिए निकाल लो। अब ये सवाल हमें करना है इसमें इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है और जो योगफल आएगा उसमें से इसको घटाना है ना, यानी कि जोड़ भी हो रहा है और घटाव भी हो रहा है, जोड़ भी हो रहा है घटाव भी हो रहा है, जोड़ भी हो रहा है घटाव भी हो रहा है। चलो 2 2 3 तो ये 2 ये 2 और ये 3 2 2 3 ये 2 2 एकम 2 2 एकम 2 3 का 3 3 एकम 3 चलो अब इनका गुणा करो 2 का 3 में 2 3 6 कितना आया 2 3 6 2 3 6 अब 2 का टेबल बोलो कि 6 आ जाए 2 का टेबल बोलो 6 आ जाए 2 का 6 में भाग लगाएंगे 2 का 6 में भाग लगाएंगे कितनी बार भाग जाएगा कितनी बार भाग गया 3 बार गया भागफल 3 आया 3 का गुणा ऊपर वाले में करो 3 का गुणा ऊपर वाले में करो प्लस फिर इस 2 का इस 6 में भाग लगाओ तो 2 का 6 में भाग लगाएंगे तो 2 का पारा बोलो 6 आ जाए 2 3 6 3 बार है ना। फिर 3 का गुणा ऊपर वाले में करो फिर 3 का गुणा ऊपर वाले में करा फिर घटाओ का निशान
अब तीन का टेबल बोलो कि छः आ जाए, तीन का भाग लगाओ छः में, तीन का दो, छः में भाग लगाएंगे दो बार, दो का गुणा ऊपर वाली में करो, तो दो का हमने ऊपर वाली में गुणा करा, ये गुणा करा। चलो तीन तिया बोले नौ, तीनों पंजे पंद्रह, दो एकम नीचे छः, नीचे कितना छः, तो नौ और पंद्रह कितने होते हैं चौबीस, ऋण का दो बटे छः बराबर में कितना बावीस बटे छः। फिर क्या करेंगे दो से, दो तिया छः, दो एकम दो हो जाएंगे ग्यारह बटे तीन, दिस इज ए आंसर, ये हमारा उत्तर आ गया। बाईस बटे छः कटेगा तो काट दो, दो से कट रहा है, दो का पाड़ा तीन बार, दो का पाड़ा ग्यारह बार, तो ग्यारह बटे तीन हमारा उत्तर है।